वृंदावन में फेसबुक पर दोस्ती, फिर प्यार, बाद में शादी के नाम पर शारीरिक शोषण कर धोखा देने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार रात को वृंदावन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती के अनुसार करीब 4 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती जनपद पलवल के होडल थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी अशोक के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि इसी बीच आरोपी के साथ कई बार उसकी मुलाकात हुई तथा आरोपी ने शादी के नाम पर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी की बात करने पर अक्सर आरोपी टाल देता। पीड़िता का आरोप है कि बीती 15 मई को आरोपी ने वृंदावन में रमन रेती क्षेत्र स्थित बालाजी मंदिर के पास शांति सदन धर्मशाला में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता के अनुसार शादी की बात कहने पर आरोपी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। जब उसने आरोपी के भाई प्रदीप और कृष्णा से अलग अलग फोन नंबर पर शादी करने की बात की तो उसे गाली गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया। इंस्पेक्टर क्राइम जगदीश प्रसाद ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराकर बयान दर्ज कराए जाएंगे, इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।